से एक दहशत वाली खबर सामने आ रही है जहाँ जंगल से एक बाघ गांव में घुस गया। हालांकि उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन गांव वाले बाघ को देखकर दहशत में है। बाघ भी आराम से एक किसान के घर के दीवार पर बैठकर धूप सेक रहा था। इस दौरान वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सुबह गांव वालों ने देखा तो पहले सन्नाटा फैल गया, फिर लगा मेला। जब जानकारी के मुताबिक ये मामला पीलीभीत की कलीनगर तहसील का है, जहां तहसील के कई गांव में रहने वाले लोग इस वक्त दहशत में है, अपने जीवन जी रहे हैं। बताया जा रहा है कि सोमवार को आधी रात के बाद से जंगल में एक बाघ अचकोना गांव में घुस आया। एक स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बाघ गांव में रहने वाले किसान शिंदू सिंह के घर की दीवार पर आकर बैठ गया था। सुबह जैसे ही लोगों को इस बात की जानकारी हुई तो पूरे गांव में सन्नाटा फैल गया और फिर आराम के फरमाता रहा बाघ। गांव वालों ने तत्काल वन विभाग को मामले की जानकारी दी है। उधर सोशल मीडिया पर आए वीडियो में दिख रहा है कि बाघ पर दीवार पर आराम फरमा रहा है। हैरानी की बात यह है कि ग्रामीण बाघ के काफी नजदीक खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और वो आराम से बैठा है। बताया जाता है कि पीलीभीत के जंगल से सटे गांव में अक्सर बाघ घुस आते हैं, इसके कारण यहां हमेशा ही दहशत का माहौल रहता है। क्या क्या कितने घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन रहा और क्या क्या नियम फॉलो किए गए? बेसिकली हमारा सबसे पहले प्रोटोकॉल होता है कि इस बाघ को लोकलाइज करें। हमने अर्ली मॉर्निंग इस बाघ को लोकलाइज कर लिया था। हमारे यहाँ पे पीलीभीत की, माला की, हमारी पीलीभीत टाइगर रिजर्व की और पीलीभीत सामाजिक वन की टीम यहाँ पे आ चुकी थी। जैसे ही हमें लगा कि सिचुएशन नियंत्रण में है और बाघ सपोर्टिव है और क्राउड थोड़ी कंट्रोल में है, तब हमने जो उच्च अधिकारी से परमिशन ली और हमें ट्रैंकलाइज की, जैसे परमिशन मिली उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर साहब ने इसको ट्रैंकलाइज किया है। अब इसको सेफली यहाँ से मूव कर रहे हैं। ये कहाँ छोड़ा जाएगा? इसको पहले हम परीक्षण करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, इसकी जैसी कंडीशन होगी और जैसी हमें अनुमति मिलेगी उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे।